हेलो फ्रेंड, मैं हूं नरेंद्र गौड़। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जून 2018 में जो 6 इम्पोर्टेंट फॉर्म है वो भरे जाने हैं और 10th पास जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा है। तो आज मैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा कि वो कौन कौन से 6 फॉर्म हैं। और ये सारे सभी 6 फॉर्मों का आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इनको ऑनलाइन भर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे कुछ इस तरह का रेड कलर का आइकन आ रहा होगा, उसे प्रेस करना है। उसके बाद वो कुछ इस तरह का हो जाएगा ब्लैक कलर का, तो आपको ये बेल दिखाई दे रही है उसे भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी जो नई वीडियो आए उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं और लेटेस्ट अपना अपडेट पाना चाहते हैं जॉब्स के बारे में, तो वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली जॉब है इंडियन रेलवे में, तो इसकी वीडियो मैं आपको पहले ही भी बना चुका हूँ, जिसमें RPF कॉन्स्टेबल और RPF सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें टोटल पोस्ट हैं 9739 और इसकी जॉब लोकेशन है ऑल इंडिया। पोस्ट का नाम है रेलवे प्रोटेक्शन पोस्ट RPF कॉन्स्टेबल और SI। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10th और 12th मांगा है और प्लस ग्रेजुएशन भी। मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टेबल के लिए आपके पास 10th होना चाहिए, और अगर आप SI का फॉर्म भरना चाहते हैं RPF SI का, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। आपको इसकी डेट बता दूं कब से ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको बता दूं 1 जून 2018 से इसका फॉर्म भरना चालू हो गए, और लास्ट डेट की बात करूँ तो 30 जून 2018 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगला जॉब है दोस्तों इंडियन आर्मी का, जिसमें टेक्निकल एंट्री स्कैम की पोस्ट है TES की, जिसमें टोटल पोस्ट की बात करूं तो 90 पोस्ट हैं। जॉब लोकेशन की बात करूं तो ऑल इंडिया है, और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12th विथ 70 मार्क इन PCM। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टोटल नंबरों को तीनों को जोड़ के अगर आपका परसेंटेज 70 हो रहा है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू इसमें जॉब लगती है। और मैं आपको बता दूं, इसके फॉर्म 16 मई 2018 से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट की बात करूं तो 14 जून 2018 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसे फिलअप कर दें। अगली पोस्ट है सिक्किम पुलिस की। सिक्किम पुलिस में जो वैकेंसी है वो कॉन्स्टेबल, ड्राइवर, मैकेनिकल और फ्लावर की पोस्ट है, जिसमें टोटल 54 पोस्ट हैं। और जॉब लोकेशन की बात करूं तो सिक्किम है, और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th पास होना आपका कंपलसरी है, उसके साथ आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट थी 9 मई 2018 से इसके फॉर्म डालना स्टार्ट हो गए हैं, और लास्ट डेट की बात करूँ तो इसकी 6 जून 2018 है। तो ये थी सिक्किम पुलिस की वैकेंसी, तो इसका भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली पोस्ट है बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, इसमें पोस्ट निकली हैं एक्साइज सब इंस्पेक्टर की, जिसमें टोटल पोस्ट हैं 126। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो बैचलर डिग्री एंड एनी किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। जॉब लोकेशन की बात करूँ तो इसमें बिहार आपको जॉब लोकेशन है। इसके फॉर्म की बात करूं तो कब से ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं, तो इसकी फॉर्म अभी भर रहे हैं, 22 मई 2018 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और 30 जून 2018 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको भी फिलअप कर दें। अगली पोस्ट है इंडियन नेवी की, जिसमें मैं आपको बता दूँ, जिसमें SSR और AA सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट SSR और आर्टिफिशियर अप्रेंटिस AA का फॉर्म भी आप भर सकते हैं। इसकी जॉब लोकेशन है ऑल इंडिया। SSR में आपको बता दूं क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें आपके पास 12th होना चाहिए PCM से, और AA का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो भी 12th PCM से होना चाहिए। उसके साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, आपके परसेंटेज 60 डिग्री मार्क होना चाहिए आपके 12th में, तो जब भी आप AA का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो थी 2 जून, और आप इसे 15 जून तक इसे भर सकते हैं, तो ये 14 दिन आपका फॉर्म चलेगा, तो आप इसे भी अप्लाई कर दें।
अगला फॉर्म है दोस्तों राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें जॉब निकली हैं लोअर क्लर्क, एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें टोटल पोस्ट हैं 11,255 टोटल जॉब हैं। और जॉब लोकेशन की बात करें तो राजस्थान, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो है 10 मई, ये 10 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और इसकी लास्ट डेट चल रही है अभी 8 जून 2018 तक, तो इसे आप जल्दी से जल्दी भर दें। और दोस्तों ये थे आज के 6 इम्पोर्टेंट फॉर्म जिसे ऑल इंडिया के कैंडिडेट भर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें जिससे कि वो भी इस फॉर्म को भर सकें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं और लेटेस्ट जॉब की अपडेट पाना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।